इन दो हाथों से पेट भी भरा जा सकता है और पेटी भी भरी जा सकती है, लेकिन तकलीफ तो तब होती है कि आदमी को न पेट की चिंता है न पेटी की चिंता है। अब पेटी की चिंता ज्यादा नहीं है, आदमी को यदि चिंता है, हाथ में यदि भूखा है तो पेट और पेटी का भूखा नहीं है, हाथ में यदि भूखा है तो भूखे मन और भूखी निगाहों का भूखा है। ये भूखी निगाहें और भूखा मन, ये भरना बड़ा मुश्किल का काम है। सारी दुनिया की दौलत पाने के बाद भी मन भूखा का भूखा रहता है, मन कभी भरता नहीं है। एक फकीर को एक सिक्का मिला चांदी का, वह सिक्का लेकर एक संत के पास पहुंचा। फकीर ने उस संत से कहा कि ये सिक्का मिला है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो संत ने कहा, एक काम कर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हो उसको यह सिक्का दे देना। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट? बोले हाँ, उसे ही ये सिक्का देना, ध्यान रखना, किसी भिखारी को ये सिक्का मत दे देना। फकीर सिक्का लेकर राजपथ पे खड़ा हो गया, हजारों लोग आए और निकले। फकीर ने सिक्का दिखाया, जो सम्राट हो तो सिक्का ले। कहते हैं थोड़ी ही देर बाद उस राजपथ पर एक रथ निकला, रथ पर सम्राट है। फकीर ने रथ रोका, बोला मैं तुम्हें ये सिक्का देना चाहता हूं। सम्राट ने कहा, पागल है क्या, इस सिक्के का मैं क्या करूंगा? उसने कहा कि जो सबसे बड़ा सम्राट हो उसे ये सिक्का देना। तो उसने कहा कि सम्राट तो मैं ही हूं। फकीर ने कहा, पागल हो तुम, इस सिक्के को ठुकराना मत। ये सिक्का ठुकरा दिया तो ध्यान रखना, सम्राट पना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। रथ से उतरा, दामन फैलाया, डाल मेरे दामन में ये सिक्का। फकीर ने कहा, पहले पता तो करूं कि तू सम्राट है या नहीं है। सम्राट ने कहा कि बड़ा बेअकल आदमी है, स्वर्ण रथ में बैठकर जा रहा हूं, साथ साथ घोड़े मेरे रथ में जुते हुए हैं, ये पूरा लवाजमा जा रहा है, और तू कह रहा है कि सम्राट है या नहीं है, अंधा है क्या? उसने कहा, अंधा तो मैं नहीं हूं, लेकिन परख तो कर लूं कि तू सम्राट है या भिखारी है। उसने कहा, जुबान संभाल के बात कर, सम्राट को भिखारी कहता है, जरा सम्राट ये तो बता दो कि तुम जा कहां रहे हो। बोले मैं पड़ोसी राज्य में चढ़ाई करने जा रहा हूं। सम्राट तुम्हारा राज्य कितना है? बोले जहां निगाह जाए वो सब मेरा साम्राज्य है। उठा के देख ली नजरें, तो फिर तुम अब कहां जा रहे हो? बोले पड़ोसी राज्य को जीतने। तो भिखारी ने, फकीर ने कहा, ऐसा कर, तू रथ में वापस बैठ और आगे जा, इस सिक्का तेरे भाग्य में नहीं है। अरे, उसने कहा, क्यों? जितनी ये धरती दिख रही है उस पर आधा साम्राज्य तो मेरा है, और तू कहता है कि मैं भिखारी हूं। फकीर ने कहा, जिसकी निगाह पड़ोसी के राज्य में हो, मेरी नजरों में उससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जब ईश्वर ने इतना दिया है तो अब किस बात की तृष्णा लिए जी रहा है? जब जी ईश्वर की कृपा से तेरे को इतना साम्राज्य मिला हुआ है और फिर भी पड़ोसी पर निगाह रखे तो तू सम्राट नहीं हो सकता, तू भिखारी होता है। अरे, पड़ोसी के धन पर निगाह रखने वाला उस चोर की तरह होता है जो दूसरों की कमाई हुई दौलत पर निगाह रखता है। इसलिए सम्राट तू मेरी नजरों में सम्राट नहीं हो सकता है। और कहते हैं, भिखारी ने सिक्का वापस लिया, सम्राट ने नजरें झुकाई और आगे चला गया। एक बात ध्यान रखना, कौन भिखारी है कौन सम्राट है कहा नहीं जा सकता।
अरे बाहर से कई लोग सम्राट दिखते हैं लेकिन भीतर के बड़े भिखारी हुआ करते हैं, और कई लोग बाहर से तो फकीर और भिखारी दिखते हैं लेकिन भीतर से सम्राटों के भी सम्राट हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, तुम्हारे घर में दो तीन बहनें होंगी, भाई होंगे, सबके नेचर एक से हैं क्या? बोलिए, माँ बाप तो एक ही होंगे ना, लेकिन माँ बाप के स्वभाव भी बच्चों से नहीं मिलते हैं। सबके नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। इसका कारण इतना ही है कि सबका कर्म भी अलग। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका नेचर, जैसा जिसका नेचर वैसा उसका फ्यूचर। ध्यान रखो, नेचर से फ्यूचर बनता है, ध्यान रखना। सबके अलग अलग होते हैं, सबकी करनी अलग अलग है, सबकी भरनी अलग अलग है। किससे मिलता है सब कुछ? पुण्य से। जिस दिन पुण्य चला गया उस दिन सब बर्बाद होगा या नहीं होगा, आपसे पूछ रहा हूं। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। जब तक पुण्य है तब तक सब कुछ है। पुण्य का उदय चल रहा है ना, मोदी 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 मोदी, ये क्या है? पुण्य का उदय है। राहुल की सभा में मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं लोग, ये क्या है? पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य चला गया ना, मोदी फिर काहे का मोदी। ध्यान रखना, कभी सोचना, जब तक अटल जी थे, जब तक हाथ पैर चलते थे, भाषण देते थे, सारी दुनिया पीछे भागती थी, और 5-6 साल से जब बीमार पड़े ना, तो सगे दोस्त भी उनको देखने को नहीं जाया करते। कहां प्रधानमंत्री रहे इस देश के, अंत समय कैसा रहा? एक समय वह था कि लोग उन्हें भूल गए थे। ध्यान रखिए, मरने के बाद लोग बोलते हैं दुनिया भूल जाती है, यहां तो ऐसा भी होता है कि जीते जी भी लोग भूल जाया करते हैं। अरे और कोई भूले या ना भूले, खुद की औलाद भी हमको कभी कभी भुला दिया करती है। ध्यान रखिए, ये पुण्य पाप का खेल है। आज संयम धर्म कह रहा है कि महीने में रोज ना सही, ध्यान रखना, 4 दिन। 4 दिन जानते, अष्टमी और चतुर्दशी आती है। एक महीने में कितनी बार आती है? 4 बार अष्टमी, 4 बार चौदशी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा, तुम सो रहे हो या सुन रहे हो, है ना? 4 बार अष्टमी चतुर्दशी आती है। क्यों आती है मेरे भाई? इसलिए आती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कम से कम 4 दिन महीने में माल मलिदा मत खाना, रूखा सूखा खाना। कितने दिन? कितने दिन की साधना? 4 दिन की जिंदगी मन के मनुष्य की, इससे ज्यादा जीवन नहीं है। 4 दिनों का जीवन है। 4 दिन रूखा सूखा खाना, अष्टमी चौदस कहती है। रोज ना सही, 4 दिन सादे वस्त्र पहनना, रोज ना सही। 4 दिन घर छोड़ना, शास्त्रों में लिखा है अष्टमी चौदस को घर छोड़ के मंदिर में निवास करना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम खाया और दिन भर घर में टीवी देख रहे, बोले क्या है, बोले अष्टमी का उपास है, है ना? ये महिलाएं क्या करती है मालूम है? आजकल की नहीं मालूम, पुराने जमाने की। जब इनकी अष्टमी चौदस आती उसी दिन सारे कपड़े धुलते हैं। बोले क्या करें, अब खाली बैठे, आज खाना तो है नहीं, कपड़े धो लो, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, बर्तन साफ कर लो, ये कर। अरे अष्टमी चौदस को ये सब छोड़ना चाहिए, तुम ये सब काम करते, अब क्या करें, खाना तो है नहीं, दूसरा काम कर लेते। नहीं, अष्टमी चौदस को कहा है समस्त समरम समारंभ आरंभ को छोड़ो, मंदिर में निवास करो। अष्टमी चौदस को महीने में 4 दिन। अष्टमी चौदस तो पुणे में कठिन है, तुम संडे को ही अष्टमी चौदस समझ लिया करो, क्योंकि यहां जो भी होगा वो रविवार को ही होगा और कभी कुछ नहीं होने वाला। महीने में 4 रविवार आते हैं, उन्हें अष्टमी चौदस समझ लीजिए, 4 रविवार।
महीने में आएंगे, अष्टमी चौदस के दिन आएंगे, पर्व के दिन आएंगे। शास्त्रों में कहा है इन पर्व के दिन में आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इन पर्व के दिनों में आदमी को डनलप के गद्दे पे सोने का त्याग करके चटाई पर सोने की साध, ये अष्टमी चौदस से ध्यान रखना। घर छोड़ के कहां जाना चाहिए? खंडाला, बोलो नहीं, वो क्या क्या है यहाँ? खंडाला और लुनावाला, और क्या है? हाँ, ये सब तुम्हारे, मैं सोच रहा हूं कि तुम अपने योग्यताओं का वर्णन अपने मुंह से करो कि हम क्या करते हैं, अपने काम खुद बताओ। महाबलेश्वर जा रहे हैं, यहां घूम रहे, वहां घूम रहे, मेरे भाई जाओ वहां भी जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अष्टमी चौदस को हर श्रावक को एक तीर्थ की यात्रा जरूर करना चाहिए। और एक बात याद रखना, ये डनलप के गद्दों में जो 30-30 रात तुम गुजारते हो, किसी तीर्थ पे जाना तो डीलक्स रूम मत देखना, लेकिन तुम तो ऐसे हो कि डीलक्स रूम होना चाहिए, यहीं से बुक होता है ऑनलाइन। तीर्थों पे जाके भी सुविधा चाहिए तुमको, तीर्थों पे जाके भी अटैच लेट बात ध्यान रखना, विचार को, अपनी प्रवृत्तियां देखो। कभी किसी ने आज तक नहीं कहा मेरा भी तीर्थ बन रहा है जिन शरणम, जब यात्री आता है तो फोन करता है अटैच रूम है क्या, एक ने भी नहीं पूछा अटैच ध्यान कक्ष है क्या, अटैच सामायिक का कक्ष है क्या, अटैच जाप करने का कक्ष है क्या, मेरे रूम में जिनवाणी रखी होगी क्या, मेरे रूम में भगवान के जपने की माला। आप तीर्थ पे गए हो या शादियों में गए हो, बात समझ ही नहीं आती है। शादी विवाह में अटैच रूम और एसी रूम और वातानुकूलित रूम देखा करो, तीर्थों पर तो टूटी धर्मशाला में रात गुजार दिया करो।